और इसी बीच बड़ी और अहम खबर आपको बता दें, दिल्ली से आ रही है, जहां विधायक ढुल्लू महतो को सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी का साथ मिला है। ढुल्लू महतो पर हेमंत सोरेन सरकार बदले की भावना से कार्रवाई कर रही है, ये कहा गया था। ढुल्लू महतो पर आरोप की जांच स्वतंत्र एजेंसी करे, सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी विधायक हैं, ढुल्लू महतो के पक्ष में उतरे हैं। आपको बता दें कि संसद में मामले को उठाने की बात कही गई है, तो सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी को विधायक ढुल्लू महतो का साथ यहां पर मिला है, संसद में मामले को उठाने की बात कही गई है। आपको बता दें कि लगातार जिस तरीके से खबरें आ रही थी कि ढुल्लू महतो पर हेमंत सोरेन सरकार बदले की भावना से कार्रवाई कर रही है, और इसी बीच खबर आ रही है कि विधायक बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो को सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी का साथ मिला है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे चलते हैं, हमारे संवाददाता ऋषिकेश फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। ऋषिकेश, पूरी जानकारी दे खबर की, विधायक ढुल्लू महतो को सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी का यहाँ पर साथ मिल चुका है। जी देखिए, दिल्ली में मौजूद है चंद्र प्रकाश चौधरी, और उन्होंने कई तरह के आरोप लगाए केंद्र सरकार पर, खासकर राज्य सरकार पर। उन्होंने स्पष्ट किया कि जिस ढुल्लू महतो के खिलाफ सरकार कार्रवाई कर रही है, उस कार्रवाई का आधार क्या है, क्योंकि जिस आधार पर, जिस 164 के बयान पर पुलिस कार्रवाई कर रही है, उस बयान को ही लेकर ही कई तरह के सस्पेंस हैं। उनके परिवार वालों से वो मिले थे, उन्होंने आरोप लगाया, उनके परिवार वालों ने कहा कि एक पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी है। दूसरा कहा जा रहा, उन्होंने आधार दिया कि बार बार उनके लोग या उनके परिवार के लोग ये मांग कर रहे हैं कि ये राज्य सरकार पर उन्हें भरोसा नहीं है, कोई स्वतंत्र एजेंसी इसकी जांच करे, वो भी राज्य सरकार तैयार नहीं कर रही है, और जिस तरह से पुलिस की घेराबंदी की हुई है, जैसे वो भगोड़ा हो, जो व्यक्ति बीते 10 सालों से विधायक है उस पर इस तरीके की कार्रवाई, ये राजनीतिक भावना से है। चौधरी मौजूद है, हम उन्हीं से सवाल पूछ ले रहे हैं, क्योंकि वो अमित शाह गृह मंत्री देश के हैं, उनसे मुलाकात करने वाले हैं और संसद में भी इस मुद्दे को उठाएंगे। चंद्र प्रकाश जी, आखिर क्या वजह है कि आप ढुल्लू महतो के पक्ष में हैं, अमित शाह और संसद में उठाने की बात कर रहे हैं, जबकि ये जगजाहिर है, राज्य सरकार आरोप लगा रही है कि ढुल्लू महतो पर जो काम है या जो उनका बैकग्राउंड रहा है वो कतई ही भरोसे का नहीं रहा, विश्वसनीय नहीं रहा। और लगातार 3-3 बार विधायक बने हैं और जनता उनके साथ है, तभी उनके साथ उस तरह का यदि उनका चरित्र रहता, उस तरह का यदि व्यवहार रहता, तो जनप्रतिनिधि नहीं बनते या जनता उनको लाइक नहीं। और जिस प्रकार जो कार्रवाई किया गया है, बिल्कुल बदले की भावना से, क्योंकि जो बयान दिया गया है, जो दो अलग अलग तरह का भी बयान है, विवादास्पद बयान है, इसलिए हम यही कहेंगे कि उसको स्वतंत्र एजेंसी से जांच हो, ताकि बात सही सामने आ सके, और इस तरह से जो गलत आरोप लगा रहा लोग, उनको परेशान करने के लिए, उनको उनका लोकप्रियता को खत्म करने के लिए, तो वह उसे मतलब लोगों को विश्वास जमे अच्छा है कि जनता के साथ। तो देखिए, आधार है ढुल्लू महतो को के पक्ष में खड़ा होने का, और राजनीतिक रंग ये लेता हुआ दिख रहा है, क्योंकि दिल्ली में अगर पार्लियामेंट में इस मामले को उठाया जाएगा और गृह मंत्री से मुलाकात करेंगे तो निश्चित तौर पर इसका राजनीतिकरण होगा, लेकिन फिलहाल चंद्र प्रकाश चौधरी खुलकर ढुल्लू महतो के पक्ष में उतर गए। बिल्कुल, चलिए ऋषिकेश, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि विधायक ढुल्लू महतो जिस तरीके से फरार चल रहे हैं, अब उनको जो है साथ मिल चुका है सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी का, और साफ तौर पर चंद्र प्रकाश चौधरी ने कहा कि बदले की भावना से उन पर कार्रवाई की जा रही है, और इसलिए जो है जो पूरी कार्रवाई है वो सही तरीके से हो।